हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। बाकी क्या है, आज मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैं अपने कानों के टेस्ट के लिए वापस आ रखा हूँ। ठीक है, उन्होंने भेजे आर्मी वालों ने, तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ अपने टेस्ट के लिए, क्योंकि कल मैं लेट हो चुका था तो उन्होंने आज का टाइम बोला है। अभी टाइम हो चुके हैं, 7 बज चुके हैं और वहाँ मेरे को पहुँचना है 8:40 तक, तो मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। तो देखते हैं वहाँ जाके यार टेस्ट मेरा आज ही होएगा या कैसे होएगा, मतलब अपॉइंटमेंट देंगे जैसे भी होएगा, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट क्या क्या अपॉइंटमेंट देते हैं, तो भी वहीं जाके पता चलेगा कि अपॉइंटमेंट वगैरह कब देंगे कब नहीं, कब की अपॉइंटमेंट है। इसलिए मैं अपने साथ बैग नहीं लेके जा रहा, नहीं तो मोटे पे बैग टांगा मिलता कि डायरेक्ट वहीं से वहीं सीधा आगे चला जाता मैं। तो मैं फ़िलहाल वहीं जा रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ अपना बस स्टॉप पे, वहाँ से सीधा बस में बैठ के फिर अपना स्टेशन पे, वहाँ से सीधा वहीं जाऊँगा हॉस्पिटल में। तो उसके बाद जब चलते हैं, चलो आपको सफ़र बीच में दिखाई देंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे सीधा हॉस्पिटल में ही। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मतलब यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता है, तो 1 घंटा 15 मिनट बाद ही मिलेंगे हम, मतलब पूरा एग्जैक्ट टाइम यही है, क्योंकि मैप के अंदर जो शो कर रहा है पूरा कि मतलब कि पैदल कितनी देर चलना है, ठीक है, कितना टाइम पैदल का है, कितना टाइम में आगे बस मिलनी है, क्योंकि प्रॉपर टाइम है इसमें। ठीक है, यहाँ क्योंकि बसें चलती रहती हैं हर 20-25 मिनट बाद, और उसके बाद ट्रेनें भी 5-10 मिनट बाद ट्रेनें आती रहती हैं, तो ऐसे ही है। तो मिलते हैं सीधा उसके बाद ही, वहीं जाके मिलेंगे, बाकी बीच में सफर आपको मैं दिखा दूंगा। तो गाइज मैं अप्रोक्सीमेट पहुंच चुका हूँ अपना वही हॉस्पिटल के पास। ठीक है, ये साइड में जालियाँ हैं हॉस्पिटल की, नहीं हॉस्पिटल की नहीं है ये, तो स्कूल या बिल्डिंग टाइप है, तो हम बिल्डिंग ही है, जैसे अपने घर के पास है वैसी बिल्डिंग है ये भी। बाकी आगे ये गेट भी है, वैसे मैं अप्रोक्सीमेट वहीं पहुँच चुका हूँ मैं। गेट तो वैसे यही है, ये गेट है, बाकी इसके साथ दूसरा गेट भी होगा, यहाँ मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। दूसरे गेट पे जाके देखते हैं क्या रहेगा, तो दूसरे गेट पे चलते हैं, वहीं जाके देखते हैं, अब वहीं से एंट्री करेंगे। बाकी रास्ते में पूछ लूँगा, रास्ते में भी कोई मिलेगा उसकी तरफ दूसरी तरफ से, तो उनसे पूछ लूँगा एक बार मैं क्या होएगा क्या नहीं। तो आगे से ही है मे भी रास्ता, तो चलो मिलते हैं, आगे जाने जाके ही पता लगेगा क्या आएगा क्या नहीं, कब की अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये कन्फर्म है कि अपॉइंटमेंट मिलनी कन्फर्म है, अपॉइंटमेंट ये तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पहले जितने भी यहाँ भाई लोग कभी गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो अपॉइंटमेंट ही मिली है हमेशा उनको किसी भी काम के लिए। अगर हमने कोई अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, अपना कोई एड्रेस लेना है जहाँ पे हमारा मतलब सारा सामान आए ऑनलाइन, तो वो सब कुछ, तो वो सब हमको उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो बाकी मिलते हैं अब सीधा अंदर जाके आने के बाद ही। तो गाइस वहाँ से मैं
फ्री होके आ चुका हूँ हॉस्पिटल से। मैंने वहाँ वेट करनी पड़ी, मुझे 1 घंटा वेट करनी पड़ी कम से कम, क्योंकि उस टाइम मैंने टाइम ही नहीं देखा था। ठीक है, तो जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली है वो मिली है मुझे 10 तारीख की। ठीक है, मतलब अगले हफ्ते में वीरवार की, तो देखते हैं क्या रहेगा। अब वीरवार को जाना पड़ेगा, उसमें टाइम है 2 बज गए यहाँ के, मतलब 2:15 की टाइमिंग है जो मेरी अपॉइंटमेंट की है। तो उन्होंने कहा है कि 1 घंटा पहले आपको यहाँ पहुँचना है आपकी जो अपॉइंटमेंट की टाइमिंग है उससे। तो देखते हैं, बाकी लैग टाइम तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दे दिया उन्होंने 1 हफ्ते का। बाकी भाई और तो चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन में तो अप्रोक्सीमेट 2 से 3 दिन का टाइम लेते थे, बट इन्होंने मुझे सीधे 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। तो चलो कोई बात नहीं, खैर जो है सो है, वो कहते हैं जो होता भले के लिए होता है। तो चलो अब चलते हैं सीधा घर पर ही, मिलते हैं अब सीधा घर पर जाके ही, बाकी तैयारी करते हैं फिर आगे। और अपना इतना अब तो फ्री है, तो कहीं काम वगैरह कहीं देख लेते हैं, नहीं तो अपना कहीं घूम फिर आएंगे। बाकी कुछ भाइयों की पिछली वीडियो पे कमेंट भी आए हैं कि उस वीडियो पे मतलब कि कुछ मतलब कि किसी और चीज़ पे वीडियो बनाएं, लाइक मतलब कि उनके बारे में, फ्रेंच फॉर रिलीजन के बारे में बताएं। ठीक है, बाकी मेरी एक पहली वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बाकी की मतलब कि कुछ ने कहा था कि मतलब कि ये वीडियो बनाओ कि हमको मतलब कि क्या क्या सामान जरूरी पड़ता है ले जाने के लिए, जैसे हम कहीं भी वीज़ा लग गया हमारा, कहीं हमें फ़ौरन जाना है, तो उस पर हमको कैसे क्या क्या सामान लेके जाना है, तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो बाकी वो भी अपलोड करूँगा, बाकी और भी वीडियोस मुझे बनानी है। तो मैं अभी वो घर जाकर ही देखते हैं क्या रहेगा। तो फिलहाल मैं जाऊँगा यहाँ सीधा घर ही, तो मिलता हूँ सीधा आपको घर पर जाकर ही, नहीं तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, अब तो बस इधर घर पे जाना है, बाकी आपने आते हुए रास्ते में देख ही लिया होगा, सफ़र तो कुछ खास भी नहीं है। ठीक है, बाकी फिलहाल मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो बाकी धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मेरी पहली वीडियो पे अप्रोक्सीमेट 1700 व्यू हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, उससे ज़्यादा ही हो रखे होंगे, मुझे इस टाइम नहीं पता, क्योंकि जो इस टाइम मैं देख पा रहा हूँ आज का जो मैंने अभी देखा था। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर लविंग। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और जितना हो सके अपने भाई के वीडियोस को, ठीक है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से। ठीक है, ताकि उनको आने वाली कुछ और वीडियो में, कुछ नहीं पता कि कब क्यों मेरी कौन सी वीडियोस में उनको कुछ नॉलेज मिल जाए कौन सी वीडियोस से, क्योंकि आजकल क्या है, फ़ौरन जाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो फ़ौरन में मतलब कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या 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 कुछ करना पड़ता है वो सब, क्या तो कौन सी वीडियो में उनको वो सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए। तो ऐसे ही अपने सभी भाइयों को, ठीक है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखे, वो अपने सभी रिलेटेड में, दोस्तों में, ठीक है, सबको अपना भाई की वीडियोस को शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, उनको मतलब कि ये नहीं कह रहा मैं, अपनी ऐड कर रहा हूँ ताकि उनको कुछ ना कुछ क्या कहते हैं नॉलेज मिले। ठीक है, फ़ौरन के बारे में कि कैसे क्या होता है क्या नहीं, वैसे तो सबको वैसे नॉलेज ही होगी, बट असली जो है बार आके पता चलता है। ठीक है, कि काम वगैरह का कैसे है, कैसे नहीं, कैसे रहना पड़ता है, तो सब कुछ है। ठीक है, और बाहर आके हमको कि गवर्नमेंट जॉब हमको, हम मतलब कहाँ पे जाके अपनी गवर्नमेंट जॉब मतलब ले सकते हैं, किस कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, जैसे फ्रांस में, मैं इस टाइम फ्रेंच फॉरन लीजन की बात कर रहा हूँ, ये एक गवर्नमेंट जॉब है आर्मी की यहाँ की, उसमें कोई वीज़ा नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते, सिर्फ आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ नहीं देखते वो, सीधा जाओ उनके गेट पे खड़े हो जाओ, सीधा वो आएंगे, एक अंदर से आर्मी वाले आएंगे, ठीक है, जो गेट पे खड़े होते हैं वो आएंगे अंदर, आपका पहले पासपोर्ट लेके चले जाएंगे अंदर, उसके बाद अंदर से ही अपने कॉर्पोरल साहब, ठीक है, जो आर्मी के लगा लो अंदर से साहब होते हैं, वो आते हैं। ठीक है, जो मतलब हम अपने को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं,
ठीक है, सब कुछ वही देखते हैं। तो वो आएंगे अपने को फिर अपने साथ लेके जाएंगे अंदर तक, तो आगे सब कुछ वो बताएंगे, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। बाकी कुछ भी नॉलेज लेनी हो, ठीक है, कुछ भी फ्रेंच फॉर रिलीजन के बारे में हो गया या फ्रांस के बारे में, तो मुझसे वो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई किसी चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो बनानी हो, बना के मतलब वीडियो बना के बताना हो कुछ, तो मैं वो भी बनाऊँगा, वो भी बताऊँगा आप सभी को। तो करना ज़रूर, ठीक है, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल।